हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम या ओम्स लॉ, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके ओम के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका। तो देख सकते हैं आप, इसका जो प्रतिपादन किया, ओम के नियम का जो प्रतिपादन हुआ है, वो साइमन ओम ने किया। किसने किया? साइमन ओम ने ओम का नियम दिया है। और उन्होंने क्या बताया है, तो चलिए बात कर ले कि ओम के नियम का प्रतिपादन किस लिए किया गया है। तो किसी चालक की, तो क्या बताया है इन्होंने कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को हम स्थिर रखें। भौतिक अवस्था क्या, जैसे आपकी बॉडी है, आप मतलब कि आपके शरीर में कोई भी चेंजेस ना किए जाएं। ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए, जैसे ये आपका मार्कर है, तो इसकी जो भौतिक अवस्था यानी मार्कर ही रखी जाए, इसको गला के कुछ और ना बनाया जाए। मान लीजिए प्लास्टिक का मार्कर है, तो इसको गला के कुछ और ना बनाया जाए, तो वही होगी भौतिक अवस्था। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रखी जाए तथा जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर है, तथा जो दोनों सिरों के बीच विभवांतर है, देख सकते हैं आप, ये जो मार्कर है इसके एक साइड एक सिरा हो गया और इसका जो आगे का साइड है वो दूसरा सिरा हो गया। ठीक है, तो मार्कर की हम भौतिक अवस्था को स्थिर रखें, वही रखें, और इसका जो एक सिरा है, दोनों जो सिरे हैं उस पर जो विभवांतर लगाएं, तो इस मार्कर में बहने वाली धारा के क्या होगा, लगा हुआ विभवांतर और बहने वाली धारा जो आपकी आई है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख ले कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था को स्थिर रखे तो उनके दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर लगता है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा, वी प्रोपोर्शनल आई। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एक चालक लिया है जिसकी लंबाई क्या है, एल है, और जो इनके सिरों का क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बैटरी लगाई है जिसमें जो चार्जेस है वो प्लस और माइनस चार्जेस है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी चालक में विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें क्या होता है, धारा बहने लगती है। ठीक है, जब किसी चालक में हम विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें धारा बहने लगती है। ठीक है, इस चालक की लंबाई L तथा क्षेत्रफल A है, और इस पर जब हम विभवांतर V लगाएंगे, विभवांतर V आरोपित करेंगे, तो चालक में धारा बहने लगेगी। अब जब चालक में धारा बहेगी तो भाई चालक की भौतिक अवस्था क्या है, स्थिर है, जैसा कि इसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A है, तो इसकी भौतिक अवस्था क्या है, स्थिर है। यानी PQ चालक की भौतिक अवस्था को हम स्थिर रखें और क्या करें, जो विभवांतर लगाएं और जो बहने वाली धारा होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होगी। जो जितनी भी धारा इस चालक से होकर बहेगी और विभवांतर जितना आरोपित किया जाएगा, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होंगे। और ये नियम किसने दिया है, साइमन ओम ने दिया है। किसने दिया नियम, साइमन ओम ने, चालक में बहने वाली धारा और विभवांतर को लेके ओम का नियम का प्रतिपादन किया है कि अगर हम किसी चालक की भौतिक अवस्था को क्या करें, स्थिर रखें कि जैसा कि वो है। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रोपोर्शनल हटाएं, तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई, और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, नियतांक आपका आर आ जाएगा। आर क्या है, प्रतिरोध का सिंबल है, और यहाँ पे आर क्या काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट का काम कर रहा है, एक नियतांक है, तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल आई था, जब इसको हमने हटाया तो इसमें एक नियतांक आ गया R, जिस जो कि एक कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम R को एक साइड रखें तो और इसका पक्षांतर कर दें, तो धारा क्या आ जाएगी, विभवांतर के नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अब देख सकते हैं, अगर हम चालक में जो जैसे कि विभवांतर लगा रहे हैं पाँच वोल्ट विभवांतर लगाएं, और तो धारा भी तो पाँच एम्पियर ही बहेगी ना, जितना हम विभवांतर बढ़ाएंगे उतनी ही धारा बढ़ेगी, और अगर हम 10 वोल्ट लगाए इसमें विभवांतर तो धारा भी उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से बहेगी। ठीक है, तो धारा और विभवांतर का मान एक दूसरे पे डिपेंड करता है, जितना हम विभवांतर के मान को बढ़ाएंगे उतनी धारा भी बढ़ेगी, और जितना विभवांतर के मान को कम करेंगे उतना ही धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। तो अगर इसमें एक ग्राफ खींचे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मध्य बिंदु O हो गया, और नीचे हम क्या करें, विभवांतर आरोपित करें, जितना विभवांतर बढ़ाएंगे धारा भी क्या होगी, उतनी ही इंक्रीज होगी।
ठीक है, जितना हम धारा के मान विभवांतर के मान को बढ़ाते जाएंगे उतनी ही धारा भी आपकी बहेगी। अगर 5 वोल्ट कर दें तो धारा का मान भी 5 एम्पियर हो जाएगा, और अगर हम 10 वोल्ट विभवांतर लगाएं तो क्या होगा, धारा के मान भी 10 एम्पियर हो जाएगा। जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगी। तो इनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ खींच सकते हैं जो कि वी आएगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू आई आर। तो भाई अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।